नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से मुझे कुछ लोगों ने, कुछ शायद दो लोगों ने मुझे ये मेल किया था कि जो महालक्ष्मी पूजन का जो पर्व होता है, जो कि 16 दिन का जो व्रत होता है, उसमें वैसे तो हम व्रत शुरू करते हैं पर आखिर दिन में जाकर हमें क्या क्या करना चाहिए वो अगर आप हमें एक वीडियो के ज़रिए बता देते हैं। और एक सवाल मुझे और भी मिला कि महालक्ष्मी पूजा की जो आखिरी दिन होता है उस दिन क्या जो है कन्या को भोजन करवाना होता है या फिर जो है कोई विशेष भोग का आयोजन करना होता है, तो वही जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, दोस्तों महालक्ष्मी जो पूजन होता है, वैसे हमारे यहाँ पर ये अग्रायण के महीने में किया जाता है अगर आप ये व्रत करना चाहते हैं। और मैं अपने दादी के समय में देखता था कि हमारे यहाँ पर हर गुरुवार को लक्ष्मी पूजन यानी लक्ष्मी व्रत होता था। अभी वैसे उसका चलन थोड़ा कम हो गया है, पर यहाँ पर मोस्टली जो लोग करते हैं वो अग्रायण के महीने में करते हैं। नए वाले जो चावल पाए जाते हैं उस समय, उसी चीज़ से जो है ना ये कार्य किए जाते हैं। और कुछ इलाकों में वैसे पौष महीने में भी करने का चलन है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पर चलन। पर ये जो महालक्ष्मी व्रत होता है उसमें आप या तो 3 दिन की पूजा कर सकते हैं, यानी कि 3 दिवसीय पूजा जो है वो आप कर सकते हैं संकल्प लेकर, या फिर जो है आप जो है 16 दिन तक ही इस व्रत को कर सकते हैं। तो 16 दिन तक अगर ये व्रत आप करते हैं तो 16वां जो दिन होता है उस दिन जाकर आप जैसे पूजा वैसे प्रतिदिन करते आए हैं वो तो आपको करना ही है, यानी कि चाहे आप पंचोपचार पूजा आपने की है, षोड़श उपचार पूजा आपने की है, तो वो सारी चीज़ें तो आपको करना ही है। विशेष रूप से इस दिन क्या होता है, जो श्रृंगार का सामान होता है वो आप माँ को दे सकते हैं। इस दिन जो है माँ के आप थोड़ा विशेष करके जो है फूलों से श्रृंगार अच्छे तरीके से कर सकते हैं। विशेष आरती यानी महाआरती 5 या 7 चीज़ों से जो है आप आरती विशेष रूप से कर सकते हैं। अगर आप भोजन विभिन्न प्रकार के देना चाहते हैं तो वो आप करा सकते हैं। पर भोजन के विषय में यहाँ पर एक विषय है, कन्या पूजन के विषय में जैसे मुझे पूछा गया है, तो कन्या पूजन मोस्टली इस पूजा में यानी इस व्रत में नहीं होता है। जो सुहागन होती है यानी सुहागन औरतों को ही जो है ना 16 सुहागन औरतें अगर आपको मिलती है तो अच्छी बात है, या फिर आप कम से कम 8 या फिर जो है आप 3 सुहागन औरतों को बुलाकर भी जो है ना उन्हें कुछ खिला सकते, उन्हें सुहाग का कुछ सामान देना होता है। ज़रूरी नहीं है कि सुहाग का सामान का मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें खरीद के देना होगा, आप उन्हें केवल जो है बिंदी सिंदूर या फिर चूड़िया इस प्रकार की जो भी आपके प्रदेश में चलन होता है, क्योंकि हर जगह पर जो होता है ना सुहाग की चीज़ें देने का अलग अलग चलन होता है। जैसे बंगाल में एक अलग प्रकार की सुहाग देने का चलन होता है, बिहार पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ पर अलग के देने का चलन होता है, राजस्थान में जैसे सुहाग के निशानी पर बोरला दिए जाते हैं, तो ये हर जगह के अपने अपने चलन होता है। दक्षिण भारत में भी थोड़ा अलग होता है ये चलन, तो आप जो है उन्हें सुहाग का कुछ सामान दीजिए। और उसके साथ एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप कुछ सामान दे रहे हैं या फिर आप उन्हें खिला रहे हैं, या अगर ना भी खिला पा रहे, क्योंकि कई घरों में ये बंदोबस्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उन्हें बैठकर वहाँ पर खिलाया जाए, या फिर हर सभी को जो है तरह तरह के जो पकवान है वो भी बनाना शायद नहीं आता है हर समय, और ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना भी कई समय जो होता है ना मुश्किल होता है। मैंने खुद भी देखा है अपने घर पे भी कि चाहे आप एक हलवा पूरी ही बनाने जा रहे हैं पर उसके लिए भी इतने सारे इंतज़ाम करने पड़ते हैं, तो उस लिए जो है थोड़ा बहुत बनाना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप सुहागन औरतों को बुलाकर उन्हें कुछ सुहाग का सामान दीजिए और उसके साथ उन्हें एक नारियल, जो जट्टा वाली नारियल होगी, यानी कि नारियल जो होगा वो अखंड होगा, वो टूटा हुआ नारियल नहीं होना चाहिए, अखंड नारियल जो है आप उनके हाथों में दीजिए और जो सुहाग का कुछ सामान जो है वो आप उनके हाथों में दीजिए। मैं हैदराबाद में इस समय देखा करता था कि इस समय जो है सुहागन महिलाओं को केले और नारियल दिए जाते और चूड़ी का सामान, सिंदूर ये सब कुछ दिया जाता था। तो आप अपने घर पर जो है सुहागन
8 महिलाओं को 3 महिलाएं 16 अगर मिल जाए तो उन्हें आप बुलाकर आप कुछ खिला सकते हैं, या फिर जो है आप कुछ उन्हें केवल पानी ही पिला दीजिए और उसके साथ उनके हाथों में नारियल ज़रूर दे, नारियल आपको देना ही है, और उसके साथ साथ जो है आप सुहाग का सामान उन्हें दे सकते हैं। दोस्तों आपके घर पे अगर कोई बड़ी है, यानी कि हो सकता है कि आपकी सास हो, आपकी माँ हो, या फिर चाची हो, कोई भी हो, मतलब उम्र में आपसे बड़ी है, आपकी दीदी हो सकती है, उनका पैर छूकर आप आशीष ज़रूर ले। और इस दिन कई जगह पर जो है हल्दी और कुमकुम का टीका करने का भी चलन होता है, वो पूजा के रस्म के भीतर आ जाता है। तो आप ये जो है जिस दिन से आप लक्ष्मी पूजन शुरू कर रहे हैं, यह व्रत आप शुरू कर रहे हैं, आप प्रतिदिन इस कार्य को कर सकते हैं। अर्थात एक सुहागन को भी आप अगर कम से कम जो कहते हैं ना कि हल्दी और कुमकुम का आप टीका लगाते हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है। पर अगर आप प्रतिदिन नहीं भी लगा पा रहे तो आखिरी दिन जो होगा यानी 16वें जो दिन होगा उस दिन जाकर आप इस रस्म को ज़रूर करिएगा। और ये कार्य जो है वो वैसे कई लोग सुबह के समय करते, कई लोग संध्या के समय करते, तो मैं आपको कहूँगा कि आप सुबह के समय ही इस रस्म को कर सकते हैं, पर जो है आपको संध्या के समय भी एक बार आरती ज़रूर करना है, तभी ये कार्य जो होगा वो पूर्ण होगा। इस दिन जो है आप धूप में जैसे प्रतिदिन ही आप जला सकते हैं, पर इस दिन विशेषकर आप धूप में राल, गुग्गुल, घी और जो कमल गट्टे हैं उसका आप प्रयोग करते तो बहुत अच्छा होता है। हल्दी जो होता है वो भी आप प्रयोग करते तो वो अच्छा होता है। चंदन जो होता है वो भी आप प्रयोग करते तो अच्छा होता है। हमेशा आरती जब भी आप करें माँ लक्ष्मी की तो आपको पीतल के पंचदीपक और पीतल के धुनची पात्र से ही करना चाहिए, ये एक बहुत विषय है। और पीतल का ही आप इस्तेमाल करिए, बहुत सारे लोग चांदी के इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग जो है तांबे की भी कई लोग इस्तेमाल करने के बारे में सोचते, पर मैं आपको कहूँगा आरती आप जिससे कर रहे हैं माँ लक्ष्मी की वो पीत वर्ण का होना ही सबसे ज़्यादा सही होता है। अर्थात जो है पित्तल कहा गया है हमारे जो संस्कृत ग्रंथों में, तो पित्तल के धातव जो बर्तन होते हैं उन्हीं से जो है ना आप माँ लक्ष्मी की आरती करिए। और एक विषय जो है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, आप प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की पूजा में अगर श्रीहरि विष्णु की पूजा करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं प्रतिदिन, आप केवल उनका नाम ले लीजिए और जो आखिर के यानी 16वां जो दिन होगा जिस दिन जो है आप अपने इस व्रत को संपूर्ण कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं, तो उस दिन जो है आप श्रीहरि विष्णु की पूजा भी ज़रूर करिएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि श्रीहरि विष्णु की पूजा आप करेंगे, कहते हैं उसी जगह पर जो है ना माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए निवास करते हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी के साथ श्रीहरि की पूजन भी करते हैं तो आप जो है श्रीहरि विष्णु की पूजा जो है वो माँ लक्ष्मी के साथ जो 16वें दिन होंगे आप ज़रूर करिए। हवन अगर आप चाहे तो आप विधि विधान के साथ करना चाहे तो आप किसी पंडित जी को बुलाकर अपने हवन कार्य को संपन्न करा सकते हैं। खुद से अगर आप धूप हवन करना चाहते तो उसमें कम से कम 8 बार जो है जो हवन सामग्री होगा, जो शुद्ध हवन सामग्री, आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, आप जो है बाहर से भी लेकर आ सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि बाहर से अगर लेकर आते हैं तो उसमें जो है आपको राल गुग्गुल के साथ ही उस हवन सामग्री को आपको मिलाना चाहिए और उसके बाद ही वो जो है आप धूप हवन सामग्री के रूप में आहुति दीजिएगा दोस्तों धुनुषी पात्र में। अर्थात जो है ये मैं धूप हवन के लिए कह रहा हूँ। आप अगर पूर्ण हवन या विधि विधान से संपूर्ण हवन करवाना चाहते तो मैं कहूँगा इसकी जानकार को बुला करके आप ये हवन कार्य करिए। बहुत सारे लोग जो है कंडे पर भी हवन कार्य करते हैं, कहते कि ये मैंने पूर्ण हवन किया, तो मुझे नहीं लगता कि कंडे पर जो हवन होता है वो पूर्ण हवन होता है। होम जो होता है अर्थात धूप होम यानी धूप हवन जो होता है, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि धूप से हवन हो रहा है, तो वो आप जो है लौकिक हवन जो है वो आप कर सकते हैं, या फिर जो है आप अगर चाहे तो मतलब हवन जो पात्र होता है उसमें भी आप कंडे जलाकर ये धूप हवन कर सकते हैं धुनची पात्र में, अगर आप ना करना चाहें, या फिर मिट्टी के जो पात्र मिल जाते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। बहुत सारे लोग जो है निवेदन के धूप अलग रखते हैं, जो हवन करने के जो धूप पात्र होते हैं वो मिट्टी के ले लेते हैं और आरती के वाले जो होते हैं वो पीतल के ले लेते हैं, तो ऐसे भी आप जो है बिल्कुल
पूजन कर सकते हैं अगर आप जो है पूजा करना, अर्थात अगर आप ये लौकिक हवन के माध्यम से केवल अपने आप पूजा करना चाहते हैं, अपने आप ही हवन करके, पर विधि विधान से पूर्ण हवन करवाना चाहते तो इसे जानकार को बुलाकर ही कराइए। क्योंकि जो चीज़ मैं करता हूँ दोस्तों, मैं वही आपको कहता हूँ, मुझे पूर्ण हवन विधि पूरी तरीके से नहीं पता होता है, मैं धूप हवन ही पता हो है मुझे, तो मैं वही करता हूँ और मैं जानकार को बुलाकर ही जब भी हवन करवाना होता है तो मैं कराता हूँ। तो मैं वो आपको भी कहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है जो लोग हवन करते हैं ना, हवन विधि उन्हें संपूर्णता से पता नहीं होता है, वो बस ऐसे ही साधारण करते। तो धूप हवन क्या होता है, आप जब केवल अपने इष्ट के ऊपर कर रहे हैं, और पूर्ण हवन जो होता है सभी देवी देवताओं के लिए होता है। तो इस विषय को आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा जब आप अपने व्रत में हवन करवाना चाहते हैं। तो आरती में अगर आप महाआरती करना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे लोग इस दिन करते हैं, तो आप जैसे मैंने पंच उपचार वाली आरती के बारे में मैंने आपको बताया है पहले ही, तो उसमें आप जो है धुनची धूप इस्तेमाल करिए, जो पंचदीपक है वो आप जलाकर इस्तेमाल करिए, जलपूर्ण शंख जो है वो आप इस्तेमाल करिए, उसके साथ साथ वस्त्र इस्तेमाल करिए, उसके साथ जो है लाल कमल के पुष्प, शंख कमल के पुष्प, ये सारी चीज़ें जो है माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करिए। आम के पत्ते से आप उन्हें व्यंजन कर सकते, बेल के पत्ते या अशोक के पत्ते से भी व्यंजन किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है माँ लक्ष्मी की पूजा में। शंख जो होता है वो शुभता का प्रतीक होता है। इस दिन बहुत सारे प्रदेशों में जो है शंख की, जो मतलब शंख से बनी हुई जो चूड़ियाँ है वो भी पहनी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है, मतलब ये आप माँ लक्ष्मी को भी चढ़ा सकते हैं। शंख से बने हुए जो चूड़ियाँ होती है ना, जिसे शाखा कहा जाता है, तो वो आप माँ लक्ष्मी को भी इस दिन चढ़ा सकते, वो बहुत ही शुभ होता है। वो चढ़ाने के बाद आप उसे जो है सुहाग के ए मंगल रूप में जो है उसे आप धारण करके पहन सकते हैं। अब एक विषय यहाँ पर यह आ जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमने व्रत शुरू नहीं की है तो क्या हम 16 दिन जाकर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूजा करने के लिए तो वैसे कोई बाधा नहीं होती है, पर यह व्रत होती है महालक्ष्मी व्रत। तो जिन्होंने व्रत का संकल्प लेकर व्रत शुरू किया है, वही जो है आखिरी दिन में जाकर पूरी विधि विधान के साथ इस व्रत को जो है पूर्ण करते हैं। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जैसे करते कि पहले दिन उन्होंने, मतलब जिस दिन व्रत शुरू हो रहा है उस दिन उन्होंने एक बार पूजा कर लिया था, और आखिरी दिन जो होता है 16वां जो दिन होता है उस दिन जाकर वो एक पूजा करेंगे, तो वो कर सकते हैं, इसमें समस्या नहीं है। भगवान कभी भी जो है ना ऐसा नहीं देखते कि कौन कितना कर रहा है, मतलब कौन ये व्रत कर रहा है या फिर कौन कितने दिनों तक कर रहा है। ज़रूरी होता है कि आप एक दिन भी अगर करते तो वो निष्ठापूर्वक अगर आप कर रहे हैं तो वही भगवान ग्रहण कर लेते। तो आपने अगर पहले दिन में केवल पूजा किया है तो ही आप जो है आप आखिरी दिन में भी जो यानी कि 16वां जो दिन होता है उस दिन भी आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों, विधि विधान के साथ। जैसे आपने पहले दिन किया था उस दिन जो है आप ऐसे महिलाओं को बुलाकर जो है स्वागन महिलाओं को बुलाकर उन्हें स्वागत का सामान दे सकते हैं, आरती करिए, सभी मिलकर अगर आरती करते तो ये बहुत ही अच्छा होता है, आरती गायन करते तो भी बहुत अच्छा होता है। वैसे एक बात मैं आपको कहूँगा, लक्ष्मी व्रत के जो भी दिन होते हैं वैसे तो प्रतिदिन ये करना बहुत सही होता है, पर आखिर के दिन में आपको घर पे कुछ ना कुछ बनाना ही चाहिए। आपको कभी भी अपने रसोई घर के जो मतलब खाना बनाना है उसे खाली नहीं रखना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको बनाकर भर के रखना चाहिए। चाहे आप केवल खीर बना रहे हैं, चाहे आप केवल सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी बना लीजिए आप, पर आपको कुछ ना कुछ बनाना ही चाहिए। कहते हैं कि उससे जो है माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर जो है वो बनी रहती है। और एक बात दोस्तों, जैसे कई प्रदेश में मैं देखता हूँ ये चलन, आपके वहाँ पर है या नहीं मुझे नहीं पता, कि जो चावल होता है जो कि माँ के सामने भर के रखा जाता है और उसमें कौड़ियाँ डालकर रखते हैं, और या फिर कुछ लोग चांदी के पैसे या नॉर्मल जो पैसे होते हैं वो भी रख देते हैं, जिनके पास सोने के पैसे होते हैं वो भी रख देते हैं। तो वो जो चावल होता है उसे जो है आपको अपने भंडार घर के जो चावल है उसके साथ आप मिक्स कर सकते हैं। ध्यान इतना रखना है कि वो चावल जो है कभी भी जो है खाली ना पड़ जाए, थोड़ा सा चावल रहते ही जो है ना आप नया चावल उसमें डाल दीजिए। कहते हैं ये माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है उसमें, और कभी भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, कभी भी आपके घर में जो है खाने की लाले नहीं पड़ती है। इस बात को जो है लक्ष्मी व्रत में अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो
यही था दोस्तों कि आप विशेष रूप से, और मतलब ये कोई विशेष रूप नहीं है, बहुत ही साधारण विषय ही मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं तो सहज सरल विषय के ऊपर ही बात करता हूँ। बस आप जो है इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा अगर आप जो है 16वां दिन महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हैं। हवन के बारे में मैं एक बार फिर से आपको कहता हूँ, अगर आप जो है पूर्ण हवन करना चाहते तो आप किसी जानकार को बुला कर ही उस पूर्ण हवन को संपन्न कराइएगा। अगर आप खुद से हवन करना चाहते तो आप धूप हवन में 8 बार या फिर 28 बार भी आप जो है हवन सामग्री उस धूप पात्र में, यानी कि जो धुनची धूप पात्र है या फिर जो है हवन कुंड है छोटा सा, उसमें आप जो है आहुति स्वरूप डाल सकते हैं। आप उसमें जो है जय माँ लक्ष्मी या फिर श्री लक्ष्मी नारायण कह के भी आप जो है ना सामग्री डाल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको लक्ष्मी व्रत, महालक्ष्मी व्रत का पूजन करना है, और आप जिस तरह से अपने घर पे करते आए हैं आप उस नियम के साथ भी इस नियम को जोड़कर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अपने नियम बदल कर केवल इसी नियम का पालन करना है। देखिए दोस्तों, नियम जो है ना वो बहुत सारे हैं, अर्थात हमारे यहाँ पर हर पूजा के, लक्ष्मी पूजा के ही आपको शायद 100 नियम मिल जाएंगे। कोई भी नियम जो है वो गलत नहीं होता है, हर नियम अपने आप में पूर्ण होता है, हर कोई अपने अपने मत के अनुसार चलता है, किसी को कोई नियम पसंद है। हमारे सनातन धर्म की विशेषता तो यही है कि जो जिसे पचता है ना वही जो है उनके लिए सही कहा गया है, अर्थात जो है आप जिस भावना से पूजा करके आपको तृप्ति मिलेगा, आपको मन की शांति मिलेगा, आपको उसी भाव के साथ उसी आराधना पद्धति के साथ ही पूजा करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा करिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।